हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब फाइन हो। स्टैंडर्ड 5th, सब्जेक्ट हिंदी। वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट। तो ओपन योर टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 60। सिक्सटीन में क्या है? पहेलियाँ। तो अगले वीडियो में हमने पहेलियाँ एक्सप्लेन करवाई थी आपको स्टूडेंट, और उसके बाद आपकी CW में आपको शब्दार्थ, अभ्यास और स्वाध्याय, ये तीनों लिखने को लिए मैंने बोला था। तो आई होप कि आपने लिखा हुआ होगा। तो स्टूडेंट ओपन योर वर्कबुक, आज हम वर्कबुक में फिल करवाएंगे चैप्टर नंबर 60, वर्कबुक में पेज नंबर 115। ओके, तो हमने वर्कबुक ओपन कर ली है। वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 1, खाली जगह पूर्णी है, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 1 नंबर है, पहाड़ है पर खाली जगह नहीं, नदी है पर जल नहीं, तो क्या आएगा? पत्थर। 3 अक्षर का मेरा नाम, खाली जगह के ऊपर मेरा स्थान। अब 3 अक्षर का मेरा नाम है और वह खाली जगह के ऊपर मेरा स्थान है, तो किसके ऊपर मेरा स्थान है? सिर के ऊपर मेरा स्थान। आप यहाँ पे सिर लिखिएगा। ओके, अंत कटे तो पग बन जाओ, मध्य कटे तो पड़ी रहो, छोड़ दे धागा तो करे सलाम, गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पेड़ अपने पैर कहाँ छिपाता है? तो आंसर लिखिए स्टूडेंट, पेड़ अपने पैर धरती में छिपाता है। पेड़ अपने पैर धरती में छिपाता है। पेड़ भोजन किससे करता है? तो पेड़ अपने पैरों से भोजन करता है। 3 नंबर, जलेबी का घर कैसा है? तो जलेबी का घर गोल है। मानचित्र का समानार्थी शब्द लिखिए। तो मानचित्र का समानार्थी शब्द है नक्शा। कागज का घोड़ा और धागे की लगाम किसके लिए कहा गया है? तो कागज का घोड़ा और धागे की लगाम पतंग के लिए कहा गया है। पेड़ क्यों चल नहीं पाता है? तो पेड़ अपनी जड़ों से एक जगह स्थिर है, इसलिए वह चल नहीं पाता है। 7 नंबर, पेड़ हमें किस तरह मददगार होते हैं? तो आंसर लिखिए, पेड़ हमें छाया देते हैं, फूल फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, जीने के लिए अत्यंत उपयोगी प्राणवायु देते हैं। इस तरह पेड़ हमें मददगार होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट समा नहीं गया, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। फिर से एक बार, पेड़ हमें छाया देते हैं, फूल फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, जीने के लिए अत्यंत उपयोगी प्राणवायु देते हैं। इस तरह पेड़ हमें मददगार होते हैं। अब पतंग के कौन कौन से नाम होते हैं उनकी सूची बनाई है। तो लिखिए, ढाल, डुगा, चांदीदार, आंखेदार, चील, धूमदार, तुक्कल, नवरंग आदि, आदि मतलब ETC, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द पहेलियाँ में से ढूंढकर लिखिए। तो आसमान अपोजिट वर्ड से विरुद्ध शब्द, आसमान तो धरती। 2nd नंबर, गिराता तो उठाता। 3rd नंबर है, नीचे तो ऊपर, शुरुआत तो अंत, गांव तो शहर, पकड़ना तो छोड़ना। टर्न योर पेज स्टूडेंट। पेज नंबर 116 ओपन कीजिए, उसमें है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द
पहेलिया में से ढूंढकर लिखिए। तो फर्स्ट नंबर है, हमने अगले पेज पर देखा क्वेश्चन नंबर 3 में विरोधी शब्द थे, विरोधी मतलब के अपोजिट, और अभी ये है समानार्थी शब्द, सिमिलर वर्ड्स। ओके, तो हरोज, हरोज मीन्स हमेशा। सरिता तो नदी, पांव पैर, पेड़ वृक्ष, पृथ्वी धरती, मस्तक तो शीश, कक्ष कमरा, पर्वत पहाड़, आकाश तो आसमान। ये है आपके सिमिलर शब्द, समानार्थी शब्द। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि देखिए हर रोज, एक वर्ड दिया गया हर रोज, तो यहाँ पे क्या लिखना है, सामान्य शब्द के दूसरा शब्द यूज करना है और यहाँ पे दूसरा भी वाक्य बनाना है। देखिए कि हर रोज, तो हम हर रोज स्कूल जाते हैं, उसका सामान्य शब्द दूसरा होता है हमेशा, तो हम हमेशा स्कूल जाते हैं। तो ऐसे लिखिए सरिता, मछली सरिता में होती है, तो मछली नदी में होती है। समझ में आया स्टूडेंट, कैसे लिखना है आपको। पाँव, पाँव मीन्स बड़ों के पाँव छूने चाहिए, तो बड़ों के पैर छूने चाहिए। पेड़, पेड़ हमें छाया देता है, और वृक्ष हमें छाया देते हैं। 4 नंबर पृथ्वी, पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है, और धरती सूरज के आसपास घूमती है। अब मस्तक, हमें बड़ों के आगे मस्तक झुकाना चाहिए। क्या करना चाहिए, बड़ों के आगे मस्तक झुकाना चाहिए, तो मस्तक को हम क्या कहेंगे, शीश। तो लिखिए दूसरा सेंटेंस, हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। लिख रहे हो ना स्टूडेंट अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है कक्ष, तो कक्ष के दो सेंटेंस क्या है कि भाई एक बड़ा कक्ष है, कक्ष का सामान्यतः शब्द कमरा, तो एक बड़ा कमरा है, ऐसे लिखना है। फिर 7 नंबर है पर्वत, अब पर्वत और पहाड़ दोनों है, तो राहुल पर्वत पर चढ़ता है, तो राहुल पहाड़ पर चढ़ता है। 8 नंबर है आकाश, आकाश में पंछी, पंछी मतलब के पक्षी, आकाश में पंछी उड़ते हैं, आकाश का सामान्यार्थी शब्द है आसमान, तो आसमान में पंछी उड़ते हैं। तो अच्छे से लिखिए स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए और अर्थ लिखिए। क्या लिखा है देखो, बीसों का सिर काट लिया, क्या हुआ, बीसों का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। अब ये क्या हुआ, बीसों का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। बीसों के सर कलम कर लिया हमने, पर उसको ना हमने मारा है और ना उसमें से हमने उसका खून किया है, तो क्या हुआ, मतलब के हम बीसों का सिर, लिखिए आंसर लिखिए, हम बीसों का सिर नियमित रूप से काटते रहते हैं, मतलब के हमारे नाखून, नाखून हम नियमित रूप से काटते हैं ना, यस, तो हम बीसों का सिर नियमित रूप से काटते रहते हैं, फिर भी ना उनको मारते हैं ना उनका खून करते हैं, कौन है वो, नाखून। ठीक है, लिख लीजिए। अब उसके बाद में प्रवृत्ति है, तो हमें वो करना नहीं है। ओके, और पेज नंबर 177 पर
भी कुछ लिखना हमें नहीं है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर स्टूडेंट 16 कंप्लीट होता है। तो आप अपनी वर्कबुक और CW कंप्लीटली लिखना और लिखते रहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनरावर्तन 4 आपकी टेक्स्ट बुक में करवाएंगे। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे हेल्थ। थैंक यू वेरी मच। बाय।